थोड़ा सा लिहाज कीजिए। मैं जल्दी से एक बड़ी खबर बता देता हूं। बीपीएससी के सचिव का बयान सामने आया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, बड़ी बात कही है कि एग्जामिनेशन सेंटर परीक्षा केंद्र से ही पर्चा चोरी हो गया है, लीक हो गया है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि एग्जाम अब कब होगा इसकी डेट नहीं बताई गई है, जांच हो रही है ये बात उन्होंने कही है। और करीब करीब 20 जिलों के एडीएम आए, उनसे बातचीत की और साइबर सेल पूरा सहयोग किया जा रहा है। और ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जाँच बहुत लंबी नहीं चलेगी, जल्द से जल्द परीक्षा लेंगे। बीपीएससी के सचिव की तरफ से ये बयान सामने आए हैं। जी बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने। हम अब जो भी जांच करेगा साइबर सेल करेगा, हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, ये एक सवाल ये है कि आखिर जो परीक्षा रद्द हुई है, नेक्स्ट डेट कब आएगी परीक्षा? अभी तो आयोग निर्णय लेगा, जल्द ही इस पर बैठक होगी और आयोग इस पर निर्णय लेगा। सर, आरा के जिस वीर कुंवर सिंह परीक्षा केंद्र की बात हो रही है, सुनने में यह आया कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं शायद उनसे कोई पूछताछ की है आप लोगों ने, ऐसा है क्या? हम लोगों ने कोई पूछताछ नहीं की है। अब जो भी पूछताछ करेगी साइबर सेल करेगी। सर, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? और सर, एक बात यह है कि आखिर ये लीक कैसे हो गया सर? ये क्या 6 लाख जो जाँच टीम है वो ने बताया कि हम लोग तो जाँच कर नहीं रहे हैं। जो भी प्रारंभिक जाँच था हम लोग ने आयोग को कल ही सबमिट कर दिया था। अब जो साइबर सेल है इसका बारीकी से जांच कर रही है और जो भी इसका फलाफल होगा आप जान ही जाएंगे क्या होगा। आर्थिक अपराध इकाई के टच में होंगे सर, कब तक गुनहगार पकड़े जाएंगे, उनको जेल होगी? तो जो जांच कर रहे हैं वो बताएंगे, इस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। तो ये हमारे साथ बीपीएससी के सचिव जियोत सिंह थे। दरअसल जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है उससे हर कोई हैरत में है, हर कोई आश्चर्य में है। लेकिन ये बात सही है कि जो लोक सेवा आयोग है उसने त्वरित कार्रवाई अपनी तरफ से की है और जो है अब जो है बीपीएससी के हाथ में जो था उसने किया, अब आगे जो है जो दूसरी जो एजेंसी है उनके पास में जो है जाँच की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन रियानाथ ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। 22 साल की उम्र